एसी देख सकते हो आप, और हाँ यहाँ पे एसी भी चलते हैं। चाय से हेलो हेलो। Okay. So if I talk about the best places for the newcomer, my first pick would be in Hello guys, welcome back to Maple Dreams। और आज की वीडियो होने वाली है अपार्टमेंट टूर के बारे में। सो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि सास्काटून में अपार्टमेंट कैसे होते हैं, और जैसे सास्काटून में है वैसे ही ऑल ओवर कैनेडा में भी होते हैं। सो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू रेंट अ अपार्टमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपार्टमेंट रेंट करने के लिए, और कौन कौन सी लोकेशन जो है सास्काटून में बेस्ट है एज अ न्यू इमिग्रेंट इनिशियली। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको डाउनटाउन और डाउनटाउन के सराउंडिंग एरियाज में लाइक 8th स्ट्रीट, 7th स्ट्रीट, ब्रॉडवे पे आपको कैसे अपार्टमेंट मिलेंगे और किस प्राइस रेट पे मिलेंगे, और ऑब्वियसली उनके पास क्या क्या एमिनिटीज हैं वो मैं सब आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जिस अपार्टमेंट टूर पे मैं आपको आज लेके जाने वाली हूँ, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर अपार्टमेंट में हम रहते हैं जो कि डाउनटाउन में है, और उसका रेंट 2 BHK अपार्टमेंट का $900 है। एंड अगर आप जस्ट वन बेडरूम लेते हो तो उसका $100 उससे कम है, जो कि $800 होगा, जिसमें वाटर, हीटिंग और पार्किंग आपको इंक्लूडेड मिलेगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको मेन मेन लोकेशंस की टूर दूंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कैसे अपार्टमेंट्स हैं और डिस्टेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अपार्टमेंट टूर फर्स्ट। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस। सो ये आपकी मेन एंट्रेंस रहेगी, यहाँ पे आप अपना शूज रैक वगैरह रख सकते हो। सो यहाँ पे शू रैक के बाद यहाँ पे सीधा किचन की एंट्री होती है। किचन के में आपको जो बेसिक है एमिनिटीज लाइक फ्रिज और आपका डिश वॉशर और ये स्टोव वगैरह आपको इंक्लूडेड होगा। इसमें नीचे ओवन भी इंक्लूडेड होता है। सो ये जस्ट तो स्टोरेज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी स्टोरेज है एवरीवेयर। यू कैन स्टोर द डस्टबिन्स ओवर हियर एंड सी टू मच स्पेस टू स्टोर यूटेंसिल्स, योर स्पाइसेस, व्हाटएवर यू वांट टू स्टोर इन द किचन स्टफ। सो हियर यू कैन सी द फ्रिज, सो किचन से आप निकलते हैं इस साइड से जहां से मैंने अभी एंटर किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट रूम की एंट्री है, यहाँ से फर्स्ट रूम जो है वो आई थिंक ये किड्स रूम आप बना सकते हो इसको, क्योंकि काफी ये छोटा है, बट यहाँ पे एक बाथरूम भी इंक्लूडेड है। दिस इज द बाथरूम। सो ये आपकी क्लोजेट है, दे हैव मच स्पेस टू स्टोर द क्लोथ्स ऑफ योर किड्स। और ये यहाँ पे एक विंडो दी हुई है इन्होंने, सो यहाँ से व्यू आप देख सकते हो बाहर की तरफ। एंड इट्स जूनियर मैपल ड्रीम इज हियर। से हेलो। तो ये एक्स्ट्रा क्लोजेस है आपकी, इसमें आप कुछ भी सामान लाइक अपनी पेंट्री भी यहाँ पे सेव कर सकते हो आप, या वट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर इन दैट। सो एक ये सीधा किचन से आपको एंट्रेंस मिलेगी, और एक आपको मेन डोर से एंट्रेंस है ये लिविंग रूम की। सो दिस इज अ लिविंग रूम, देख सकते हो कि यहाँ पे हीटिंग सिस्टम सभी जगह इंस्टॉल्ड है। तो ये एसी देख सकते हो आप, और हाँ यहाँ पे एसी भी चलते हैं, चाहे वो 2 या 3 दिन चले बट जरूर चलते हैं समर्स में। और ये फायरप्लेस है, किसी किसी अपार्टमेंट में नहीं होती है और किसी में होती भी है, बट वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। सो ये मेन लिविंग रूम से आपकी सेकेंड रूम जो कि मास्टर बेडरूम है उसकी एंट्रेंस मिलेगी आपको। दिस इज क्वाइट अ बिग वन, जिसमें आपका आराम से एक बेड और ड्रेसिंग टेबल सब कुछ आराम से आ सकता है आपका। और ये इसमें क्लोजेट है,
और एक इस अपार्टमेंट की बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि एवरी रूम में आपको ये विंडो या एवरी उस वाले रूम लिविंग रूम के साथ आपको बालकोनी थी, तो इसमें आपको विंडोज है दोनों रूम्स के साथ, तो इसमें काफ़ी अच्छा व्यू भी है और ब्राइट भी लगता है आपको डे में। सो ये रूम के बाहर एक छोटी सी क्लोज़ेट है जिसमें आप जो भी सामान चाहें, जैसे आप छोटा सा मंदिर बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। और ये क्लोज़ेट के साथ एक सेक्शन जो है अभी इनका एम्प्टी पड़ा है, जिसमें ये इन सूट लॉन्ड्री की फैसिलिटी देंगे, जिसमें आपको वॉशिंग एंड ड्राइंग जो है वो करने के लिए किसी भी दूसरी या किसी भी नीचे फ्लोर वाली लॉन्ड्री में नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो मैक्सिमम अपार्टमेंट में बेसमेंट्स में होती है लॉन्ड्री, बट सम अपार्टमेंट्स वाले इन सूट भी देते हैं। सो दिस इज द लॉन्ड्री प्लेस। सो ये लॉन्ड्री से यहाँ पे एंट्रेंस होती है बाथरूम की, जो कि आप देख ही चुके हो, पिछले वाले बाथरूम के से थोड़ा सा बड़ा है, बट एज सेम जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं बाथरूम में वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंट्रेंस पे ये लगा होता है आपका, अगर जैसे कोई भी आपका नीचे कोई आया है तो यहाँ से आप अपना डोर ओपन कर सकते हैं। अगर आपने डोर ओपन नहीं करना, डोर ओपन करने से पहले या कोई सुनना है कि कौन आया है नीचे, या टॉक या लिसन का बटन आप प्रेस करके उसके बाद भी आप डोर ओपन कर सकते हैं। सो अगर आपको अपार्टमेंट में लॉन्ड्री नहीं मिलती है तो आपको कॉमन लॉन्ड्री यूज करनी पड़ेगी। सो लेट्स गो टू द कॉमन लॉन्ड्री। सो ये हम आ चुके हैं कॉमन लॉन्ड्री में। ये है वॉशर्स और इधर वाली साइड है ड्रॉयर्स। कैसे आपको यूज़ करनी है ये, आपको कॉइनामेटिक का कार्ड होता है आपके पास, ये अपार्टमेंट्स और प्रॉपर्टी मैनेजर वाले आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे। आपको इसको रिचार्ज करवाना होता है। रिचार्ज की मशीन्स भी कई अपार्टमेंट में तो अंदर ही लगी होती हैं, बट समटाइम्स नहीं होती हैं, तो वो आपको एक प्लेस बताएंगे, वहाँ से जाके आपको अपार्टमेंट जो है वो ये कार्ड जो है रिचार्ज करवाना होता है। सो यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है वंस यू हैव फिल्ड द क्लोथ्स, यहाँ पर इंसर्ट करके, और $2 पर वॉशिंग एंड $2 पर ड्रायर ये कॉस्ट होती है इसकी। ये हर एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में मेन फ्लोर में या बेसमेंट में लॉकर्स बने होते हैं, जिसमें कोई भी लेटर अगर आपको आए तो यहाँ पे पोस्टमैन पोस्ट करके जाते हैं। सारे अपार्टमेंट जो थे 7th Street पे थे। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ आते हो तो ये है आपकी 8th Street, और ये है 8th Street, और वो, और ये आपको दिख रहा होगा रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, अ बिग ग्रॉसरी स्टोर ऑन 8th Street।
So if I talk about the best places for the newcomer, my first pick would be in the initial days while settling down here in Saskatoon is Main Street, 7th Street and 8th Street, because all these are the locations are nearby to all public transits or bus stops, major grocery stores, banks, walk-in cleanings, food outlets or schools, etc. So if you want to live near downtown, because you will have to visit some settlement agencies here, they all are in downtown. So my suggested places in near downtown are Broadway, Nutana, or anywhere in 2nd, 3rd, 4th, 5th Avenue North. My third suggestion would be Kingsmere Boulevard, Lakeview, Taylor Street, Preston Avenue South, or Stonebridge, because all Walmart and other superstore are nearby. In Lawson Heights, you will find a lot of our Gujarati friends living there. And in case you are a student or wants to live near University of Saskatchewan, you can consider College Drive, University Drive and Cumberland Avenue. So these are just my suggestion, guys. You can choose according to your preference. So this was all about the apartment tour. Now the question is how to rent an apartment. Apartment ko rent karne ke liye aapko chahiye hoga aapka SIN number, bank account and your COPR letter. And main aapko suggest karungi ki aapki jo rent deed banegi, aap apne aur apne spouse ke dono ke naam pe karwayein, kyunki aapke dono ke proof banne start ho jayenge. Aur apartment rent karne ke saath hi saath aapko electricity ke liye bhi apply karna padega. जिसके लिए आपको सिटी ऑफ सास्कटून या कहीं पे भी रेंट कर रहे हो अपार्टमेंट, उस सिटी की लोकल गवर्नमेंट को फोन करके अपना जो प्री इंस्टॉल्ड मीटर है वहां पे वो अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हो, जिसका बिल आप ऑनलाइन पे कर सकते हो. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप कि आपको अपार्टमेंट टूर और हाउ टू रेंट अ अपार्टमेंट के बारे में अब फुली नॉलेज हो चुकी होगी. और अगर आप सास्कटून लैंड कर रहे हो तो आपको यही पता चल गया होगा कि आपने कौन सी लोकेशन पे अपार्टमेंट आके लेना है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइज.